नमस्कार, मैं हूँ कविता। राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्प्राउट्स चाट। इस चाट को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी स्प्राउट्स, 4 चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गार्निश के लिए 1/2 कटोरी प्याज बारीक कटी हुई, 1 छोटा साइज टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/2 खीरा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 नींबू, 2 चम्मच इमली की चटनी, 1 चम्मच चाट मसाला, 50 ग्राम चीज़, 1/2 कटोरी सेव। सबसे पहले गैस पर कुकर रखेंगे। गैस ऑन करेंगे, कुकर में ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होने पर जीरा डालेंगे। जीरे के चटकने पर हींग डालेंगे। हींग और जीरे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें स्प्राउट्स डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ताकि मसाले स्प्राउट्स में लग जाएं। अब इसमें 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम फुल रखेंगे। फुल फ्लेम पर कुकर में एक विसल आने देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। विसल आने पर गैस की फ्लेम बंद करेंगे। कुकर के ठंडा होने पर कुकर का ढक्कन खोलेंगे। गैस ऑन करेंगे। फुल फ्लेम पर स्प्राउट्स में जो पानी है उसे ड्राई करेंगे। स्प्राउट्स बन चुके हैं। कुकर की फ्लेम बंद करेंगे। स्प्राउट्स को एक प्लेट में निकालेंगे। अब स्प्राउट्स में इमली की चटनी डालेंगे। हरी मिर्ची और प्याज डालेंगे। चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। और खीरा डालेंगे। ऊपर से लेमन जूस और चाट मसाला डालेंगे। अब स्प्राउट्स चाट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।